हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आप लोग बिल्कुल लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसे कर दीजिए एक मोटिवेशन के तौर पे। ओके, तो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था, वेयर डज सिनगैमी अकर। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सिनगैमी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, वो पानी में या बॉडी से बाहर होता है, कहीं पे भी होगा लेकिन बॉडी के अंदर नहीं होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी के अंदर होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, इसमें आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल में और इंटरनल में इनसाइड द बॉडी। तो आपने इसमें यहाँ देखा होगा कि मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गी हो गई, फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, इनमें जो सिनगैमी होती है, फ्यूजन जो होता है वो वाटर में होता है, बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि इसमें ग्रेट सिंक्रोनी होती है। सिंक्रोनी मैंने आपको बताया था एक साथ रिलीज होना बिटवीन द सेक्सेस। दोनों सेक्सेस जो होते हैं वो एक साथ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज़ करते हैं, सो डैट की चांसेस ऑफ सिनगैमी जो या प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो लार्ज नंबर गैमेट निकलेंगे, साथ में उनमें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनी भी होगी, जिससे कि आपका चांसेस इंक्रीज हो जाए फ्यूजन का। ये हमने पीछे भी पढ़ा था गैमेट ट्रांसफ़र में, कि जो मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं कि कोई ना कोई तो फर्टिलाइज हो फीमेल के साथ। नेक्स्ट आता है इसमें मेनली ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो एल्गी, फिश, एम्फीबियंस और बोनी फिशेज में होता है। तो ये आपको यहाँ लास्ट लाइन में मिल जाएगा, दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग्स। तो आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, बोनी फिश में होता है, फ्रॉग में होता है, एम्फीबियंस में होता है। इसका डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि जब फ्यूजन पानी में हो रहा है तो ये एक्सट्रीमली वनरेबल हो जाता है प्रीडिएटर्स के लिए। फ्यूजन में ये एग है और इसके संग एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हुआ, और ये पानी में ही है, जायगोट जो बन रहा है वो पानी में ही बन रहा है। तो इससे क्या होता है, जो फिश होती हैं, बड़ी बड़ी फिश, ये क्या करती हैं, इनको एज अ फूड लेना शुरू कर देती हैं। और ये जो जायगोट या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी फिशेस का फूड बन जाते हैं। तो ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस तो हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो अडल्टहुड तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं वो किसी ना किसी फिश या किसी ना किसी प्रीडिएटर का फूड बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। तो इनका डिसएडवांटेज यही है कि ये चाइल्ड अडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते इनका नंबर बहुत कम रह जाता है, इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फंजाई में, हायर एनिमल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, प्लांट में, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बस एल्गी छोड़नी है, क्योंकि एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सब में इंटरनल होता है। अब ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स में एक आर्चिगोनियम कहते हैं, आर्ची या आर्कीगोनियम, ये इसका ऐसे ऊपर टिप होता है और एक मटके के आकार का होता है ये, और इसके अंदर यहाँ पे एग होता है, यहाँ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से मेल गैमेट आता है, फीमेल के संग फ्यूज़ करता है। ये चीज़ आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगी, जिसे हम आर्कीगोनियम या आर्चिगोनियम कहते हैं, आर्चिगोनियम, और ये एग जो होता है ये इसके अंदर मिलता है। सेम जब हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, इसमें स्टिग्मा हो गया आपके पास ऐसे करके ऐसे नीचे, फिर यहाँ ओवरी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो ये आर्चिगोनियम का एडवांस फॉर्म हो गया, जिसमें हम स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और नीचे हो गई ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, और लास्ट में हो गई आपकी ओवरी, और ओवरी के अंदर ही मिलते हैं ओव्यूल्स। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एल्गी में मिलेगा,
और एल्गी के बाद आपके जो ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, यानी एग जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मेल गैमेट आता है और फ्यूज़ करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, इनमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनमें मेल जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब मूव करता है, फीमेल एक जगह रहती है, स्टैटिक होती है फीमेल, और मेल जो होता है वो मूव करता है और वो फीमेल तक पहुँचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है सीडेड प्लांट में यही सब चीज़ें जो होती हैं वो पोलन ग्रेन से होती हैं। पोलन ग्रेन मैंने पीछे भी टॉपिक में बताया था, इससे स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब होती है, यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस, यहाँ दो मेल गैमेट होते हैं, एक एग के संग फ्यूज़ करता है, एक पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूज़ करता है, एक को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, एक को हम सिनगैमी कहते हैं। तो ये मेल गैमेट जो होता है एंजियोस्पर्म में वो पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। सिंपली अगर शॉर्ट में बताऊँ तो सिनगैमी जो है वो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो होती है वो बोनी फिश, फ्रॉग, एम्फीबियंस और एल्गी में होती है। इंटरनल हम बोलें तो हायर एनिमल्स में, प्लस ब्रायो, जिम्नो, टेरिडो, टेरिडोफाइट्स में होती है। तो ये हो गया मेन, इसके अंदर बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है, इसमें बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है, इसमें बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने फर्टिलाइजेशन से पहले पढ़ा था, प्री होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। प्री में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन में हमने सिनगैमी पढ़ ली, जिसमें हमने दो टाइप का पढ़ लिया, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक आता है एम्ब्रियोजेनेसिस और इससे ऊपर आता है जायगॉट। तो पहले हम पढ़ेंगे जायगॉट फॉर्मेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स उन्हें कहते हैं जो जब जायगॉट बन जाता है उसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो हमने इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक हमने जायगॉट पढ़ना है और एक हमने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है। तो जायगॉट जो होता है वो किसके फ्यूजन से बना है, वो एग प्लस स्पर्म के फ्यूजन से बना है। अब एग जो है वो एन है, स्पर्म जो है वो एन है, और दोनों ने फ्यूज़ करके जो बनाया है जायगॉट वो है आपके पास 2N। तो जायगॉट हमेशा डिप्लॉइड होगा, जैसे हमने पढ़ा हैप्लॉइड होंगे गैमेट्स, वैसे ही जायगॉट हमेशा डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें जायगॉट जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हुआ होगा तो पानी में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि जायगॉट स्पर्म जो है और एग है वो पानी में ही फ्यूज़ हुए थे, तो जायगॉट भी पानी में प्रेजेंट होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगॉट जो मिलेगा वो आपको वाटर में मिलेगा यूजुअली, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जायगॉट मिलेगा वो बॉडी के अंदर मिलेगा। सिंपल भाषा में अगर एक्सटर्नल है तो जायगॉट भी एक्सटर्नल ही प्रेजेंट होगा, अगर इंटरनल है तो जायगॉट भी बॉडी के अंदर ही मिलेगा, लेकिन जायगॉट यहाँ भी 2N होगा और यहाँ भी 2N ही होगा डिप्लॉइड। नेक्स्ट आता है जायगॉट जो होता है वो लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, और जायगॉट के ऊपर कभी कभी जैसे जो एल्गी और फंजाई होती हैं इनमें जायगॉट के ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है, ये जायगॉट अगर बना है तो उसके ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है जो से डेसिकेशन और डैमेज, डेसिकेशन का मतलब भी ब्रेकडाउन ही होता है, डैमेज भी वही, टूटने से बचाती है। तो यहाँ पे एक थिक वॉल होती है जो रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट का मतलब इस पे कोई अफेक्ट नहीं होगा और डैमेज जायगॉट नहीं होगा, तो इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको 11th में मिलेगा, जायगॉट मियोसिस और माइटोसिस दोनों से ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये टॉपिक मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा 11th का टॉपिक बता देती हूँ। इसमें ये था कि अगर आपका ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, मान लीजिए कोई एल्गी है, इस एल्गी ने दो गैमेट बनाए तो माइटोसिस से बनाएगी, क्योंकि गैमेट भी हमें एनी चाहिए, ये दोनों गैमेट्स बन गए। अब ये दोनों गैमेट फ्यूज़ करके इसने जायगॉट बनाया, अब ये जायगॉट जो है वो 2N है, लेकिन हमें प्लांट जो चाहिए वो हमें हैप्लॉइड चाहिए, तो जायगॉट को 2N से N बनाने में यहाँ पर मियोसिस करानी होगी। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और उसका जायगॉट डिप्लॉइड है तो वो 2N से N कराने के लिए उसमें जायगॉट में मियोसिस होती है, और अगर कोई एनिमल 2N है
उसने गैमेट्स बनाए NN मियोसिस से, जायगॉट फ्यूज़ हुआ, जायगॉट में भी सेम 2N हो गए क्रोमोसोम। वापस से ये बॉडी बनानी है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस माइटोसिस करनी है, यानी अपने नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना है और आपके पास बॉडी बन जाएगी। तो इसमें दो ही प्रोसेस हैं। अगर ये वाला टॉपिक आपको 11th क्लास की बुक में 3rd चैप्टर में मिल जाएगा, लास्ट में लाइफ साइकिल्स दी हुई हैं, ईजी हैं, कुछ भी नहीं है। जायगॉट में मियोसिस भी होती है, जायगॉट में माइटोसिस भी होती है। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसका जो जायगॉट वो डिप्लॉइड है, ये जायगॉट हो गया क्योंकि ये 2N है। अब इस 2N से हमें वापस N बनाना है तो उसमें मियोसिस कराएंगे, यानी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जायगॉट बनने के बाद मियोसिस होती है, वहीं पे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जायगॉट बनने के बाद माइटोसिस होती है। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके लिए अलग से 11th क्लास का टॉपिक खोल के आपको समझा दूँगी। वैसे ये ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है जायगॉट इज़ अ वाइटल लिंक। ये एक लिंक का काम कर रहा है, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो जायगॉट है। पेरेंट से जायगॉट बना और जायगॉट से उनकी नेक्स्ट जनरेशन बन रही है। तो जायगॉट जो होता है वो एक लिंक का काम करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगॉट बन गया, अब एम्ब्रियो बनाना है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना। जो जायगॉट है वो 2N है और एक सिंगल सेल है। अब इसे तो हम ह्यूमन, जैसे अगर ह्यूमन का केस कहें, इसे हम बेबी नहीं बोल सकते, इसके अंदर अभी पूरी डेवलपमेंट होने हैं, ऑर्गन्स बनने हैं। तो ये जो ऑर्गन्स बनते हैं ये सेल डिवीजन से बनते हैं। अभी इसमें एक सेल है, फिर बहुत सारे सेल्स आएंगे, फिर ऑर्गन्स बनना शुरू करेंगे, हार्ट बनना शुरू करेगा, हैंड्स, लिवर, सारे ऑर्गन्स बनेंगे। तो ये लिवर, जो ऑर्गन्स बनने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है सेल डिवीजन और एक होता है सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का डिवाइड होना, क्योंकि जायगॉट सिर्फ एक सिंगल सेल है। इससे हमें पूरी बॉडी बनानी है, बॉडी बनाने के लिए आपको सेल डिवाइड करने पड़ेंगे। फिर सेल डिफरेंशिएशन का काम मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम करना। ये सेल्स बन गए बहुत सारे, अब ये सेल्स अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे हैं तो इन्हें डाइजेशन करना होगा, अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं तो इन्हें रेस्पिरेशन के काम करने होंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में आप सिंपली लिखते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बनने को ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस में दो काम होते हैं, एक सेल का डिवाइड होना होता है, एक सेल का डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन इजी है, सेल का डिवाइड होना। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम करना जो उन्हें दिया गया है। सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स। भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओवीपेरस, एक होते हैं वीवीपेरस। तो ओवी, ओ एग, ओ से याद कर सकते हैं, ओ ये ऐसे शेप का होता है अंडा। तो जो एग देते हैं उन्हें ओवीपेरस कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उन्हें हम वीवीपेरस कहते हैं। तो ओवीपेरस एनिमल्स अंडे में से फिर उनके बेबीज निकलते हैं। इसमें कोई भी मदर होती है उसके वॉर्म में से ही बेबी निकलता है, एग नहीं निकलता है, डायरेक्ट बेबी निकलता है। और इस केस में पहले एग निकलेगा और एग में से बेबी फॉर्म होगा। तो अगर हम 6th-7th क्लास की बात करें तो अगर हमें फाइंड करना है ओवीपेरस एनिमल कौन से हैं, वीवीपेरस कौन से हैं, तो ओवीपेरस वो होते हैं जिनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, जिसे हम पिन्ना कहते हैं। जैसे ये हमारा ऐसे कान होता है, इन्हें हम एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे गाय में ऐसे होते हैं, बैट में होते हैं। तो जिन जिन में ये पिन्ना प्रेजेंट होता है, PINNAE, पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, वो सब वीवीपेरस होते हैं। और जिनमें कान की जगह एक छोटा सा सिर्फ होल होता है, उसे हम, वो सब ऑर्गेनिज्म ओवीपेरस होते हैं। तो आप अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं, जैसे कि बर्ड होती हैं उनके होल होता है, टिम्पैनम होता है जैसे एम्फीबियंस में, तो ये सब एग लेइंग होते हैं। और जिनमें जिनमें एक्सटर्नल ईयर होते हैं, मैक्सिमम एक्सेप्शन को छोड़ के जिनमें एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं। अब आपने 11th में दो टाइप की फिशेस भी पढ़ी थी, कॉन्ड्रियोकाइथस, इस्थियोकाइथस, ऑस्टियोकाइथस एंड कॉन्ड्रियोकाइथस। तो इसमें कॉन्ड्रियोकाइथस जो थी, आप चेक करके बताएंगे कि वो ओवीपेरस थी या वीवीपेरस थी। उस टॉपिक में आपको मिल जाएगा, एक ओवीपेरस होते हैं, एक वीवीपेरस होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, 11th क्लास की बुक खोलिए और चैप्टर 4 में
फिशेज़ वाले टॉपिक में देखिए कौन ओविपेरस है कौन विविपेरस है। तो जो जर्नल डिस्टिंग्विश हम 6th-7th क्लास में बता देते हैं वो पिन्ना के बेसिस पे बताते हैं, जिन जिनके पिन्ना होते हैं वो विविपेरस होते हैं। तो इसमें यही दिया हुआ है, ये जो ओविपेरस होते हैं ये एग प्रोड्यूस करते हैं, और जो विविपेरस होते हैं ये बर्थ देते हैं यंग वंस को। जिनमें एग प्रोड्यूस होता है इनके ऊपर एग के ऊपर एक शेल होती है, जैसे आपने अंडे के ऊपर देखा होगा जो एग खाते हैं उस अंडे के ऊपर एक वाइट कलर की शेल होती है, ये कैलकेरियस सेल होती है, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और इसका काम होता है जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट से। उसके बाद इसमें जो मुर्गी होती है वो एक इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं, जब तक वो उस अंडे के ऊपर बैठती है उसे हीट प्रोवाइड करती है, और उसके बाद इसमें से ये टूटने के बाद जो बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, किसी का इंक्यूबेशन कम हो सकता है, किसी का इंक्यूबेशन ज़्यादा होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसके बाद उसमें से जो भी उसके यंग वंस होते हैं वो हैच्ड आउट बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट, विविपेरस एनिमल्स में ज़्यादातर सब कुछ इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉर्म में होता है, मदर की वॉर्म में होता है, तो उसको वहीं पे सारा इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो ये जो विविपेरस वाले एनिमल्स होते हैं इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंडे अगर बाहर पड़े हैं बारिश धूप कोई और तोड़ दे इससे ये मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन विविपेरस एनिमल में सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है चांसेस ऑफ सर्वाइवल, प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन। जो विविपेरस होते हैं उनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक मदर मॉम में प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ग्रेटर इन विविपेरस। नेक्स्ट आता है फ्लावर्स में, प्लांट में क्या होता है, जायगॉट बनने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो आपके पास जायगॉट होता है, जायगॉट से ऑर्गेनिज्म बन गया, और इसके बाद आपके पास जो अंदर की ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ही जायगॉट प्रेजेंट होता है, तो ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी वॉल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल में। तो सिंपल क्या क्या चीज़ें होती हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो जायगॉट होता है आप सिंपल कॉपी में लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, जायगॉट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओवरी वॉल कन्वर्ट होती है फ्रूट वॉल में, जिसे हम पेरिकार्प ही बोलते हैं। फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प कहते हैं, जैसे आम में आपने देखा होगा जो उसका छिलका हम निकालते हैं वो पेरिकार्प होता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं कि जायगॉट एम्ब्रियो में होता है, ओवरी फ्रूट में होती है, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होते हैं, साथ में ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब फ्लावर में सारे ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं तो उसके स्टेम एंड पेटल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन सबके नहीं निकलते। जैसे आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर में परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, इस टाइप के ये प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही आपने मिर्च में देखा होगा, ऐसे यहाँ पे साइड में ग्रीन ग्रीन प्रेजेंट होते हैं, वो कैलिक्स होते हैं। सेम बैगन में देखा होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन। तो ये कुछ प्लांट होते हैं जिसमें आपको ये कैलिक्स मिलते हैं। अनार में देखा होगा, अनार में नीचे सेपल्स भी मिल जाते हैं, पेटल्स भी मिल जाते हैं रेड कलर के, जैसे ये अनार है तो इसके यहाँ पे रेड कलर के आपको पेटल्स भी मिल जाएंगे। तो जनरली ये गिर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू नेम सम प्लांट्स सेपल्स रिमेन अटैच। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं चिली मिर्च, यानी कि, और आपने अभी मैंने आपको बताया अभी टमाटर और ब्रिंजल, ये सब में परसिस्टेंट सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें दिया हुआ है, पिस्टल जो होती है वो अटैच रहती है, जायगॉट जो होता है डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये रहा हमारा फर्स्ट, कि जायगॉट डेवलप इनटू ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ये रहा हमारे पास सेकेंड। नेक्स्ट, ओवरी इज डेवलप इनटू फ्रूट, वो हो गया हमारे पास थर्ड। एंड पेरिकार्प फ्रूट वॉल, जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट वॉल में या पेरिकार्प में होती है, ये हो गया हमारे पास फोर। तो ये सारे चेंजेस होते हैं प्लांट में। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सीड और पेरिकार्प बताया हुआ है। जैसे मटर में ये जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है इसे हम पेरिकार्प कहते हैं, और ये जो बीज होते हैं इन्हें हम सीड कहते हैं। ऐसे यहाँ पे हर एक किसी का पेरिकार्प और सीड बताया हुआ है।
जैसे ये टमाटर का हो गया, इसमें ये आउटर कवरिंग पेरिकार्प हो गई, बीच में सीड्स प्रेजेंट हैं, ये मस्टर्ड हो गया आपके पास, ये आपके पास खीरा हो गया, तो ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं वो सीड हैं, और ये जो ये पोर्शन दिख रहा है ये पेरिकार्प है। तो इसमें सिंपली ईजी है ये वाला टॉपिक, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़िए, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में लिखिए, एंड काइंडली प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।